नमस्कार दोस्तों, बंगालीर खाना पीना चैनल की और एक वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे बांग्लार स्पेशल दही पोटल, मतलब दही के साथ परवल को हम बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी होता है, चावल के साथ तो बहुत अच्छा लगता है और पराठा या रोटी के साथ भी बहुत ही अच्छे लगते हैं दोस्तों। तो देखिए, दही परवल बनाने के लिए हम यहाँ पर लिए हैं 500 ग्राम परवल, और परवल के स्किन को हम इस तरीके से छील लेंगे। आप लोग चाहो तो पूरे के पूरे स्किन को ही छील सकते हो, लेकिन हम थोड़े थोड़े रख के छीले हैं। और देखिए किस तरीके से काटना पड़ेगा, दो तरीके से इसको काटा जा सकता है। एक इस तरीके से लंबा करके काटा जा सकता है, और आप लोग चाहो अगर लगे कि अंदर बीज है ज़्यादा तो इसको बीच में दो तीन टुकड़े करके भी काट सकते हो। तो इस पोटल में लग रहा है कि अंदर बीज ज़्यादा है, तो इसलिए हमने देखिए इस तरीके से गोल गोल शेप में दो तीन पीस करके काट लिया है। तो चलिए दोस्तों इस तरीके से सभी परवल को काट लेंगे। और हम यहाँ पर लेंगे 3 आलू। आप लोग चाहो तो आलू को स्किप कर सकते हो, सिर्फ परवल से ही बना सकते हो। अब देखिए जिस शेप में परवल को काटे हैं उसी शेप में आलू को भी काटना पड़ेगा। तो दोनों सब्जी को देखिए हम काट के धो के रेडी कर लिए हैं। अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में जाते हैं। यहाँ पर हम कुछ मसाले तैयार कर लेंगे, इसलिए देखिए एक बोल में लिए है हमने 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, और लेंगे 2 हरी मिर्ची और अदरक के टुकड़े। अब इन सबको हम एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। और एक मसाला हम यहाँ पर तैयार करेंगे, उसके लिए देखिए यहाँ पर लिए है हम कुछ काजू के टुकड़े, और लेंगे खसखस, 1 चम्मच खसखस ले लिया है। अब इसको भी एक फाइन पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, एक कढ़ाई में हमने 1 टीस्पून ले लिया है सरसों का तेल। पहले तेल जो है थोड़ा कम ही लेना पड़ेगा। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे हम परवल को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर परवल को बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शैडो फ्राई करने से ही ये हो जाएगा। और ये छोटे छोटे टुकड़े में काटने का और एक फ़ायदा है, ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। देखिए फ्राई करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है और कम तेल में भी फ्राई हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मीडियम टू लो फ्लेम पे इस तरीके से हम सभी परवल को फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा हल्का सा कलर आ जाने पर ही हम इसको उठा के एक दूसरे जगह में रख देंगे। तो देखिए हल्का सा कलर हमारा आ गया है, परवल को साइड कर देंगे। अब थोड़ा सा ज़्यादा तेल ले लेंगे, करीब 3-4 टेबल स्पून के करीब। अब इस तेल में हम आलू को फ्राई कर लेंगे। दोस्तों आप लोग चाहो तो यहाँ पर आलू को स्किप करके यही से मसाले की प्रोसेसिंग को स्टार्ट कर सकते हो। अब आलू को भी हम यहाँ पर लाल लाल करके फ्राई करके उठा के एक साइड में रख देंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो को अच्छे लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। अब देखिए उसी तेल में हम यहाँ पर ले लिया है 1/2 टीस्पून के करीब कलौंजी और 1 लाल मिर्च को। अब जो मसाला का पेस्ट हम तैयार करके रखे थे अदरक और जीरा का, उसको यहाँ पर दे देंगे। देंगे स्वाद अनुसार नमक और स्वाद अनुसार चीनी। कोई भी निरामिष सब्जी में थोड़ा सा चीनी देने पर बहुत टेस्ट लगता है। अब देंगे यहाँ पर हल्दी पाउडर। अब इसको तेल छोड़ने तक इस मसाले को हम भून लेंगे। दोस्तों इस रेसिपी को कोई भी उपवास के दिन आप लोग घर में बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। अब देखिए यहाँ पर हम दे देंगे रेड मिर्च पाउडर, बहुत ही कम देंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा तीखा ना हो। ये सिर्फ हमने कलर के लिए दिए हैं। देखिए तेल हमारा मसाला जो है छोड़ चुका है। अब यहाँ पर हमने काजू का जो पेस्ट तैयार करके रखे थे उसको दे देंगे, और फ्लेम को इस टाइम एकदम से लो टू मीडियम पर करके रखना पड़ेगा, नहीं तो काजू देने के बाद मसाले जो है वो जल सकता है, और कंटिन्यूसली इसको चलाना पड़ेगा। अब देखिए इस मसाले को भी हम तेल छोड़ने तक भून लिया है। अब इस टाइम यहाँ पर हम दे देंगे परवल को, और परवल को मसाले के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इस टाइम इसको हम ढक के थोड़ा सा पका लेंगे, क्योंकि दो ही परवल में दही देने के बाद जो है परवल और आलू बॉयल नहीं होते हैं, इसीलिए थोड़ा पहले ही आलू और परवल को बॉयल कर लीजिएगा। दोस्तों अब देखिए ढक्कन देके मसाले के साथ परवल को हमने बॉयल कर लिया है। अब इस टाइम आलू को भी दे दिया है हमने,
मसाला भी हमारा फिर से तेल छोड़ चुका है। और फिर से इसको आलू देने के बाद थोड़ा भून लेने के बाद हम इसको ढक्कन दे के पका लेंगे। इस प्रोसेस से अगर दही पटल को बनाएंगे तो देख लेना दोस्तों, परवल और आलू जो है वो कड़क नहीं होगा, मतलब दही देने के बाद कोई भी सब्जी थोड़ा सा सख्त हार्ड हो जाते हैं, तो इसलिए इस तरीके से बनाइएगा। पहले ही परवल और आलू को ढक्कन दे के लो फ्लेम में मसाले के साथ बॉयल कर लीजिएगा। अब देखिए हम यहाँ पर दही को दे देंगे। 500 ग्राम परवल के लिए यहाँ पर हमने 100 ग्राम दही लिया है और दही के बोल को धो के थोड़ा सा पानी ले लिया है। दही को पहले ही फेंट के एकदम क्रीमी जैसा कर लीजिएगा और इस टाइम आँच को एकदम से दोस्तों लो पे करके रखिएगा ताकि दही जो है हमारा फट ना जाए। अब देखिए लो फ्लेम पे इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे सभी मसाले के साथ दही को, और उसके बाद आँच को मीडियम कर लीजिएगा और फिर से दही को थोड़ा सा 1 या 1.5 मिनट के लिए भून लीजिएगा ताकि दही का जो कच्चापन है वो चले जाए और दही भी अच्छे तरीके से हमारा भून के तैयार हो जाए। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद हम यहाँ पर दे देंगे गर्म पानी। यहाँ पर ठंडा पानी मत दीजिएगा, गर्म पानी से इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो कम नहीं होगा। और ग्रेवी आप लोग जितना रखना चाहोगे उसी अंदाज से पानी आप लोग दीजिएगा। अब देखिए हो गया है। अब ढक्कन लगा करके इसको 2 या 3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि पानी जो है हमारा थोड़ा सा कम हो जाए। अब बीच में हम यहाँ पर 2 हरी मिर्ची को दे दिया है। इसको फाड़े नहीं है, सिर्फ हरी मिर्ची का फ्लेवर के लिए हमने दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा परवल का जो रेसिपी है वो बन के तैयार हो गया है, लास्ट पोजिशन में आ गया है। अब हम यहाँ पर दे देंगे गरम मसाला पाउडर और घी, इससे इस निरामिष रेसिपी का टेस्ट जो है वो दुगना हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हम 1 चम्मच भर के दे दिया है गरम मसाला पाउडर और दिया है देसी घी। घी मेल्ट होने पर पूरे के पूरे 1 चम्मच ही होगा दोस्तों, ये जमा हुआ है इसलिए थोड़ा सा कम लग रहा है। अब मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से पूरे सब्जी के साथ और ढक्कन दे के इसको रेस्ट करने के लिए दे देंगे 2-3 मिनट के लिए। तो दोस्तों हमारी सब्जी जो है एकदम से तैयार हो गया है। आप लोग भी अपने घर में एक बार जरूर ट्राई कीजिए और कैसा लगा है रेसिपी हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए कोई रेसिपी को लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।